देखिए ये साफ सी मांगे हम लोगों ने इसके पूर्व से ही हम लोग कई बार दो तीन बार हम लोग ने हमारे वाइस चांसलर महोदय के माध्यम से और वाइस चांसलर को हम लोगों ने आगाह करने का प्रयास किया कि जिस तरह से यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का जिसको तो वैकेंसी 5 तारीख से निकाला गया है उसमें जिस तरह से यहाँ से आदिवासी ST SC BC 1 BC 2 और आपका विकलांग छात्र छात्राओं के साथ जिस तरह से छलवाड़ किया जिस तरह से उन्हें घोर अन्याय किया उनके साथ इसीलिए आज हम लोगों ने उनका जो अगेंस्ट सीट था 273 सीट के अगेंस्ट में यहाँ विज्ञापन लाया गया है और उसमें से आप अगर देखेंगे तो ST SC और आपका विकलांग तो एकदम जीरो कर दिया है उसमें जो बोल रहा है वो गलत है वो जब तक आपको उनको नहीं दिया तब तक वो ये तो इस अनुरूप अगर देखेंगे तो आपका ST SC और BC 1 BC 2 को 128 सीट मिला और आपका 145 सीट आपका OUR को मिला हुआ है ये इसीलिए यहाँ आपका सिद्धो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अधीन या झारखंड हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र रहने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का के साथ जिस तरह से नौकरियों में सरकार ने भी हमें छेलने का काम कर रहा है और हमारा यूनिवर्सिटी सिद्धो कानू यूनिवर्सिटी हमको बनाने वाला है हमारे जैसे ही छात्र छात्राएं ने 1885 से लेकर के 92 में इसका स्थापना किया था तिलका मंजी से अलग करके और यहाँ के छात्र छात्राओं को उसमें अगर 100% उसको भागीदारी ना मिले ना हो तो ये दुर्भाग्य की बात है इसीलिए हम लोग आज अपना पहले के कार्यक्रम के तहत हम लोग पहले ही पूर्व ही इस कार्यक्रम को निर्धारित किया गया था कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारा रोस्टर को संशोधित नहीं करते हैं और ये विज्ञान का रद्द नहीं करते हैं तब तक तब हम लोग का अपना यहाँ यूनिवर्सिटी के अधीन सिद्धो कानू यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी आपका विश्वविद्यालय है सारे विश्वविद्यालय को तालाबंदी करने के लिए बाध्य होंगे इसके जिम्मेदारी आपका कुलपति होंगे अभी अभी कुलपति भाव ले आया तुरंत उन लोगों को उसको बोले कि आप तुरंत इनको संशोधित करिए या पहले स्थगित कीजिए इस विज्ञापन को अन्यथा हमारा हुए हैं। आज हम लोग का मुख्य मांग यही था कि जिस प्रकार से नेट बेसिस लेक्चर का प्रोफेसर का बहाली करना था उसमें रोस्टर का घोर उल्लंघन किया गया है जिसमें हम देखें कि दिव्यांगों का शून्य शून्य किया गया है और दूसरी बात यह है कि पूरे यूनिवर्सिटी में 18 विभाग में से जो वैकेंट निकला है कई ऐसा विभाग जो है उसका वैकेंट नहीं निकला है कारण ये है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं अपने स्तर के प्रोफेसर लोग हैं इसलिए और ये यूनिवर्सिटी के जितने प्रशासन हैं कहीं ना कहीं यहाँ जो लोकल हैं झारखंडी जो छात्र हैं उसको नहीं देखना चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बने यहाँ उसको रोजगार मिले असिस्टेंट बेसिस का अर्थ है कि यहाँ का जिसका क्वालिफिकेशन है जिसका योग्यता है और टीचर की कमी है तो यहाँ की योग्यता नेट किया हुआ PhD किया हुआ उसको मानदेय अनुरूप में क्लास के लिए भरपाई किया जा सकता था लेकिन यहाँ एक षड्यंत्र के तहत जब हम लोग BC महोदय को बोले कि सर आप रोस्टर का उल्लंघन किए हैं तो उसका कहना है साफ तौर पे कहा कि ये मेरा रोस्टर बना नहीं है ये सरकार की बनाई हुई रोस्टर है हम कुछ नहीं कर सकते हैं और जब सरकार उसमें एक तो सरकार यहाँ के छात्रों का न्याय ही नहीं चाहती है सरकार यहाँ के छात्रों को नौकरी देना ही नहीं चाहती है और ऊपर से एक यूनिवर्सिटी में षड्यंत्र के तहत बाहरियों को नौकरी देने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र आज ये वैकेंसी में देखा गया इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरी मांग ये है जब तक ZEE का एग्जाम नहीं लिया जाता है तब तक यहाँ कोई लेक्चर का बहाली नहीं होना चाहिए और रोस्टर का संशोधन होना चाहिए और तीसरी बात यह है कि जब BC महोदय कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई अथॉरिटी और पावर नहीं है जब आपके यहाँ कोई पावर नहीं है जब ऑफिशियल वर्क के लिए आपको पैसा का जरूरत पड़ता है कोई सामान खरीदने के लिए BC महोदय और कुलपति महोदय तुरंत पैसा का निकासी कर लेते हैं जब एक छात्र के लिए कोई सेट बनाने के हो छात्र को पानी पीने के लिए कहीं रूम के जरूरत हो छात्रों के सुविधा के लिए हो तो उसके लिए एक पैसा BC महोदय कहते मेरे यहाँ कोई पावर नहीं है तो साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ के जो प्रशासन है और कुलपति हैं छात्र हित के लिए कभी काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए आज तालाबंदी किए हैं और चौथी मुद्दा हम लोग का ये है कि आज जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में स्थायी रूप से परमानेंट BC नहीं है परमानेंट कुल सचिव नहीं है परमानेंट हमारा FO नहीं है परमानेंट CCDC नहीं है जबकि परमानेंट कोई नहीं है तो लोग इसमें देखा जा रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत ताकि एक आदमी ही यूनिवर्सिटी का पैसा दो जगह पे साइन करके कैसे निकासी किया जाए वो लोग कभी नहीं चाहे कि छात्र हित के लिए काम करें और जब हम लोग आंदोलन के लिए बैठ जाते हैं तो लोग कुछ में कुछ बोल देते हैं कि नहीं हम लोग कर देंगे हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है देखिए गार्जियन आप हैं पदाधिकारी आप हैं आप मेरे गुरुजी हैं आप मेरा गार्जियन हैं यदि गार्जियन ही छात्रों को ठकने लगे तो छात्र क्या उम्मीद करेंगे इस यूनिवर्सिटी से एक तो सबसे पहला पता होना चाहिए कि
सीधा कन्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो है सबसे गरीब निचले तबके के छात्र हम लोग पढ़ते हैं, किसी तरह से अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षक, यहाँ के पदाधिकारीगण कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के हमारे छात्र आगे बढ़े। यहाँ उदाहरण के तर्ज पे हम कह सकते हैं, जैसे आज नीट बेस पे जिस प्रकार से नीट प्रोफेसर का बहाली किया गया, बहाली का विज्ञापन दिया गया, उसमें हम देखे कि टोटल सीट 273 है, 273 में से 128 जो है वो झारखंडी छात्रों को मिलेगा और 145 जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी मिले। तो क्या ऐसे उम्मीद लगाया जा सकता है कि यहाँ के वीसी चाहते हैं कि यहाँ का छात्रों को कोई रोजगार मिले, यहाँ के छात्रों को कहीं लेक्चर का मौका मिले, यहाँ के हमारे इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई। वो लोग का साफ साफ एक मानसिकता बना हुआ है कि SKMU में कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ के छात्र किसी तरह से पढ़ते हैं, यदि छात्र आवाज़ उठाते हैं तो उसको कहा जाता है ठीक है आवाज़ उठाते हैं, आपको डिपार्टमेंट में आपका कार्रवाई करते हैं, इसी के डर के मारे नहीं करता। आज सच्चाई यही है, आज हमारे रिसर्च साथियों लोग आए थे तो लोग को बोले चले भाई हम लोग का बंदी, हम लोग का डिमांड करना है, तो लोग का कहना है कि नहीं यदि हम लोग अपना डिमांड रखते हैं, हम लोग शोधार्थी हैं, कहीं हम लोग को बैंड कर दिया, ये तो हमेशा अन्याय की बात है, ये तो हमेशा संविधान का हत्या है और छात्रों के साथ छलवा और उन को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आज विश्वविद्यालय में सबसे यदि हम कहें तो रिसर्च स्कॉलर सबसे सीनियर स्टूडेंट में आते हैं, यदि वो विश्वविद्यालय जहां भूल कर रही है, जहां गलती दिख रहा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिखा नहीं सके, बोल नहीं सके, ऐसा बिल्कुल गलत है, उसको दबाया जाता है। मेरा कहना ये है जहां गलत हो रहा है उसको गलत ही कहेंगे और गलत का आवाज़ उठाए हैं। छात्र समन्वय समिति आज निर्णय लेगी और BC महोदय से बात हुआ है कि तुरंत रिफरेंस लेकर वो सरकार को भेजेंगे। सरकार को भेजने के बाद सरकार यदि संशोधन नहीं करती है तो हम लोग सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आखिर आज यदि हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों डिग्री ले रहे हैं, क्यों आखिर पढ़ लेके कहीं ना कहीं हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, कहीं नियोजन में जाना चाहिए। आप नियोजन बाहरियों को दीजिएगा, हम यहाँ पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे, यदि पढ़ रहे हैं तो मुझे रोजगार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। आज इसी मुद्दा के लेके बैठे हैं, एक छोटा मोटा इशू नहीं है। यदि एक पूरे संथाल परगना में एकमात्र एक विश्वविद्यालय हमारे सिद्धकनुमुरम विश्वविद्यालय और सिद्धकनुमुरम विश्वविद्यालय में ही यदि छात्रों के साथ में छलावा हो तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि इस क्षेत्र का छात्र कभी डेवलप कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, क्या शिक्षा हासिल करके इस देश का सम्मान बढ़ा पाएंगे। ये लोग तो छात्रों को हमेशा नीचा करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। आज इसीलिए BC महोदय से हम लोग बोले हैं और BC महोदय का कहना है, माननीय कुलपति महोदय का कहना है कि तुरंत भेज रहे हैं। त्रुटि बहुत बड़ी त्रुटि है, यूनिवर्सिटी झारखंड सरकार को सौंप रही है, थोप रही है दोस्त, और कहीं ना कहीं रोस्टर जो बनता है यहीं से बन के जाता है। इसको पूछा जाता है बाकायदा आपको क्या चाहिए, व्यवस्था क्या है, क्या स्टूडेंट है, कितना टीचर चाहिए, लेक्चरर चाहिए, इसको लेकर के हम लोगों ने ये रोस्टर जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पे संख्या के हिसाब से जिसको भागीदारी होना चाहिए था, उचित भागीदारी होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं किया गया है। विकलांग के लिए जीरो किया गया है, ये असंगतियां हैं, इसलिए आज हम लोगों ने तालाबंदी किया। लेकिन आज जब BC महोदय से मिले तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो सरकार का गलती है। बोले जब आप बोलते हैं कि मेरा कोई पावर नहीं तो फिर इस पर कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम लोगों ने इनको बोला, क्योंकि यहाँ गलती है जिन लोगों के खून पसीनों से ये जो बना है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जिसका अस्तित्व दिया हुआ है, उन लोगों को यदि भागीदारी ही नहीं मिले तो फिर उन लोगों ने अपना बलिदान क्यों दिया था, उन लोगों ने खून पसीना क्यों बहाया था, उन लोगों ने लाठी और डंडा पुलिस को क्यों खाया था। तो ये हम लोगों का मांग है कि यहाँ पे जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसको जिसका भागीदारी है उसका उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। रोस्टर को इसको जो है फिर से संशोधित किया जाए और यहाँ के लोगों को स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को उसके भागीदारी मिलना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। चूंकि इसको हम लोग बोले हैं इसको कि रद्द किया जाए, फिर से जो है फ्रेश इस पर विज्ञापन निकाला जाए, यहाँ के लोगों का भी हिस्सेदारी हो। Let your little ones enter the world of effective learning. Learning without burden. Learning that's secure. Learning beyond the traditional norms. Around the best environment, in the best infrastructure. Sant JVS School, Jirulia, Nichitpur, Dumka. Hamara mobile number hai 8789896854. Admission open.